देखो किस्मत कितनी अच्छी है, हिम क्षेत्र में आज बर्फबारी हो रही है। अभी हम चौरंगी खाल से थोड़ा सा नीचे हैं, गाड़ी को धक्का मार के क्रॉस कराया जा रहा है, लेकिन हमको ये पता है कि जब केदारनाथ जैसी जगह में जहाँ पे 11,600 फीट की ऊंचाई होती है, वहाँ पे लोग माइनस टेम्परेचर में जब हम गए थे शुरू में, बगैर किसी परवाह करे आराम से इंजॉय करके काम कर सकते हैं, तो आज उसी का एक छोटा सा टेस्ट हमारा भी है कि किस प्रकार से हम जाएंगे और लोगों का हौसला बढ़ाएंगे कि उत्तराखंड का नवनिर्माण की जो परिभाषा हम रच रहे हैं उसे उत्तराखंड में कैसे पूरा करेंगे। आज का दिन अच्छा होने वाला है। सुबह पहले तो माँ गंगा के दर्शन हुए, उसके बाद हम उत्तरकाशी से चले कुटेटी देवी के दर्शन करने के बाद में गाजनापट्टी में, आज हमारा गाजनापट्टी में डोर टू डोर प्रोग्राम है, वहाँ के लोगों से मिलना है, उनसे सुझाव लेने हैं कि क्या वो इश्यूज हैं जो हमें गंगोत्री विधानसभा में सबके साथ में शेयर करनी चाहिए और सरकार आने पे उसको पूरा करना चाहिए। और आज शाम का हमारा प्रोग्राम है कि हम वहीं से हम अपनी दूसरी कर्म भूमि जिसे बोलते हैं केदार घाटी, वहाँ जा रहे हैं। रात को आज केदारनाथ जी के यहाँ रुकेंगे। देखो किस्मत कितनी अच्छी है, हिम क्षेत्र में आज बर्फबारी हो रही है। अभी हम चौरंगी खाल से थोड़ा सा नीचे हैं, गाड़ी को धक्का मार के क्रॉस कराया जा रहा है, लेकिन हमको ये पता है कि जब केदारनाथ जैसी जगह में जहाँ पे 11,600 फीट की ऊंचाई होती है, वहाँ पे लोग माइनस टेम्परेचर में जब हम गए थे शुरू में, बगैर किसी परवाह करे आराम से इंजॉय करके काम कर सकते हैं, तो आज उसी का एक छोटा सा टेस्ट हमारा भी है कि किस प्रकार से हम जाएंगे और लोगों का हौसला बढ़ाएंगे कि उत्तराखंड का नवनिर्माण की जो परिभाषा हम रच रहे हैं उसे उत्तराखंड में कैसे पूरा करेंगे। जय हिंद।